नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y53s 4G वर्सेस Realme 9 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y53s 4G में 6.46 इंच जबकि Realme 9 में 6.31 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Y53s 4G से कम है। विड्थ की बात करें तो Y53s 4G में 2.97 इंच जबकि Realme 9 में 2.89 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Y53s 4G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Y53s 4G में 0.33 इंच जबकि Realme 9 में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Y53s 4G में 190 ग्राम जबकि Realme 9 में 178 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Y53s 4G में IPS LCD जबकि Realme 9 में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y53s 4G में 6.58 इंचेस जबकि Realme 9 में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y53s 4G में 1080x2408 और Realme 9 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y53s 4G में 84.53% जबकि Realme 9 में 84.21% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y53s 4G में 401 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Realme 9 में 411 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y53s 4G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Realme 9 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Y53s 4G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Realme 9 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y53s 4G में Mali G52 MC2 जबकि Realme 9 में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y53s 4G में MediaTek Helio G80 और Realme 9 में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो Y53s 4G में 8GB की RAM मिलती है जबकि Realme 9 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Y53s 4G में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Realme 9 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Y53s 4G में अप टू 1TB जबकि Realme 9 में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Y53s 4G में Android V11 जबकि Realme 9 में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Y53s 4G में 2 कलर्स जबकि Realme 9 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y53s 4G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 19,490 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Realme 9 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Realme 9 आगे है, मेन कैमरा में Realme 9 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Realme 9 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco M2 Pro है, दूसरा Asus ROG Phone 3 है, तीसरा Samsung Galaxy M31 Prime है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y51 2020 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।